हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू नबार्ड नबार्ड ग्रेड एग्जाम। प्लीज डू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईएसआई एंड एआरडी पार्ट फॉर बोथ फेज वन एंड फेज टू ऑफ द प्रीवियस ईयर। योर एनालिसिस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी हेल्प मी स्कोर 70 मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन बिकॉज आई एम ए बैटमैन ने पूछा है। यू हैव नॉट रिटन योर रियल नेम व्हेन यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द यूट्यूब कमेंट। इट्स फाइन बिकॉज मोर इम्पोर्टेंट इज द राइट क्वेश्चन। सो आई एम हैप्पी टू सी that you have scored 70 marks in general awareness and exam been helping you for ARD and ESI. We have made already videos of ARD which is available on our YouTube channel. I am giving the link in the description below, and on ESI we are working on that. We'll provide you very soon. Anup asked, will the examination of NABARD will be bilingual? Yes Anup, exam bilingual hoga, Hindi or English mein फेज वन फेज टू, और इंटरव्यू भी आप हिंदी में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हिंदी मीडियम में इंटरव्यू देते हैं, हिंदी मीडियम में एग्जाम लिखते हैं एंड दे गेट सिलेक्टेड। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि इंग्लिश में आप जीरो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में भी आपको इंग्लिश देना है और मेंस में भी नबार्ड में आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर क्लियर करना है। क्लियर ही नहीं करना है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं बिकॉज 50% ऑफ द मेंस एग्जाम इज योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। अंग्रेजी जाने बिना ये एग्जाम क्वालिफाई तो नहीं होगा। हाँ, अगर आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है, अगर इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हम सबकी नहीं है, वो आपका हर्डल है, तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कीजिए। यू कैन बी ए ग्रेड ए ऑफिसर इन नबार्ड और यू कैन बी ए ग्रेड बी ऑफिसर इन आरबीआई और यू कैन ऑल्सो क्लियर यूपीएससी एग्जाम बाय हिंदी मीडियम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है संजय सिंह और गौरव मंडोली ने। आई डोंट हैव 50% मार्क्स इन माई ग्रेजुएशन बट आई हैव 60% मार्क्स इन पीजी, कैन आई सबमिट द फॉर्म फॉर नबार्ड? 50% मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन बट इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, चाहे पीजी डिप्लोमा है या एमबीए की डिग्री है, then you can appear in the exam। या तो आपको 50% मार्क्स होने हैं ग्रेजुएशन में, 45% फॉर द रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, या आपको होना है सीए सीएस कंपनी सेक्रेटरी विद ए बैचलर डिग्री, तो भी आपको परसेंटेज वेव्ड ऑफ है, या आप 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन एमबीए किया हुआ है आपने, तभी भी आपको ये परसेंटेज का क्राइटेरिया वेव्ड ऑफ है। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि ग्रेजुएट है फिजिक्स में साइंस में, yes you are eligible because graduation in any discipline with 50% marks. How to crack grade A of NABARD with less time? I am not an agriculture background student, I have not read agriculture yet, puzzled about SAS2, please guide me. Kalola Kumar Swain has asked this question. To pehli cheez to main aapko ye bata dun ki most of the student now, those who are clearing NABARD, RBI, SEBI kind of exam are not coming from finance or agriculture background. So don't worry about your background. As far as the study of ARD is concerned, you have to study what is required for the exam. So for example, if I talk about agriculture, they don't ask question on say different types of insect or different types of micronutrients, their deficiency symptoms. The questions asked in ARD are quite general, that relates to the agriculture's role in the economy. You go to the previous year paper, you will realize what type of questions are asked. As I said to you, most of the people creating the exam are not coming from agriculture background, so that shall not be a hurdle for you to clear the exam. आपको करना यह है कि सही content पढ़ना है, which is appropriate for the exam, and the best way to find what is appropriate for the exam is, number one, go to the previous year papers, number two, attempt mock test, and mock test which are meant for these exams. कोई भी agriculture का question does not become a good question for NABARD. So at IExamB you can attempt mock test, you will get to know how you have to prepare. और हाँ, English में आपने लिखा है कि essay लिखने में भी आपको दिक्कत है. Essay is more about writing correct English. You have to practice writing correct English. In today's time, when even CBSE and other boards are also not deducting marks on mistakes in spelling and grammar, and we are in habit of writing in computers where there is a facility of autocorrect, Grammarly, etc., our writing correct English is going down day by day. So correct English likhne ke liye aapko practice karni padegi and get your answers evaluated by somebody who is an expert of English, not the
टॉपिक वेदर इट इज इकोनॉमी और एग्रीकल्चर और फाइनेंस प्रैक्टिस बहुत कम शब्दों में आपको लिखना है. तो इफ यू आर इन ए पोजिशन टू क्लियर द एग्जाम आई एम कॉन्फिडेंट यू हैव एनफ नॉलेज फॉर राइटिंग द एसे प्रैक्टिस यू विल स्कोर हाई इन दैट. Shristi is asking that in RBI assistant video, I said that there are ample career opportunities for RBI assistant. And now in the comparison video, I have said that NABARD A is a better opportunity than RBI assistant. So, dekho, Shristi, I am very clear here. So, when you have to compare between RBI assistant and NABARD grade A. So, as I have said in the video, NABARD grade A is an officer level recruitment. Of course, you have better career when you join as an officer level. But if you see overall, RBI assistant is also a great opportunity because there are very few jobs in government where you join at a clerical cadre and you have an opportunity to reach to GM, CGM level. So RBI assistant gives you that opportunity, but when you have to compare, so tomorrow you have to compare between NABARD grade A and RBI grade B, you know the answer. So last question, Tirumala Venkat is asking, sir, can a B.Tech student crack NABARD grade A and survive in the job without any background in the agriculture? Absolutely, Venkat is nothing to worry. There are many people, those who are cracking this exam without any agriculture background. And as far as work is concerned, you are not really going to do something in agriculture. You are not going to identify insect or diseases or growing crops when you are working with NABARD. So it's about the knowledge of agriculture and rural economy. In rural economy also, if you see, the contribution of agriculture is going down. So it is more about now rural economy. So don't worry about surviving in the competition. Most of the people working in NABARD has no agriculture education. We learn when we do the work. Focus on the selection, study the right content, practice for the exam. Good luck.